साथ ही पूरा का पूरा परिवार ऐसे जिंदा जलाया। अभी की ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है कि साथियों आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करेगा, वरना आपको भी साथियों अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि ये अभी की सबसे बड़ी खबर राजस्थान के पाली से निकल कर सामने आ रही है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि साथियों पुणे महाराष्ट्र में बिजनेसमैन सहित उनके पूरे परिवार के चार लोग जिंदा जल गए। ये चारों पाली राजस्थान के रहने वाले थे। बिजनेस के इस सिलसिले के में परिवार पुणे में रह रहा था। आग बेसमेंट में बनी दुकान में लगी थी। दुकान के ऊपर कमरे में परिवार सो रहा था। धीरे धीरे लपटें बढ़ी और पूरे परिवार को चपेट में ले लिया। पाली जिले के केरला के रहने वाले वालाराम सिरवी ने बताया कि मेरा छोटा भाई चिमनराम चौधरी परिवार सहित पुणे के पूर्णा नगर स्थित पूजा हाइट्स बिल्डिंग में रहता था। परिवार में बताया जा रहा है कि साथियों बताया उनकी पत्नी नम्रता चौधरी और उनके दोनों बेटे भावेश चौधरी, सचिन चौधरी और पूजा हाइट्स बिल्डिंग के बेसमेंट में बताया जा रहा है कि चमनाराम की हार्डवेयर की शॉप थी। शॉप के ऊपर बने कमरों में चमनाराम परिवार सहित रहते थे। बुधवार सुबह 5:25 पर पूरा परिवार सो रहा था। इसी दौरान हार्डवेयर शॉप में बता दें कि आग लग गई। धीरे धीरे लपटे ऊपर कमरे तक पहुंच गई। सोता हुआ पूरा परिवार आग की चपेट में आ गया। चारों लोगों की जिंदा ही जल गए वहीं पर ही। साथियों बताया जा रहा है कि वालाराम सिरवी ने बताया कि साल 2005 में चिमनाराम परिवार के साथ पुणे से रह रहा था। गांव में भी उसका मकान है। पारिवारिक काम होने पर वह परिवार सहित गांव के आता जाता रहता था। भाई का परिवार कहीं घूमने गया हुआ था। मंगलवार रात को ही घर लौटा था। सुबह यह हादसा हो गया। पाली में भाई के घर शोक सभा मची है। जी हाँ दोस्तों, पुणे में ही कर रहे हैं अंतिम संस्कार। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। अब तक लगातार पता लगाया जा रहा है।